नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। कैंटोनमेंट स्थित होटल स्क्वायर इन में आर्यन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बैनर तले बनी फिल्म जंक्शन वाराणसी के निर्देशक धीरज पंडित, निर्माता कमलेश सिंह राजपूत ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा, फिल्म 18 अक्टूबर को पूरे भारत में एक साथ प्रदर्शित होगा। साथ ही फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी बताई। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। ओए रंग बिरंगे खाट यहाँ और सबके बड़े खाट यहाँ, अरे लाला और मौलवी सूट पूट के बाबू, अजब गजब है बनारस का जादू, और गंगा के हर घाट पे दिल अपना दे गया, अरे रसिया रस रंग रेस बनारस, प्रमोशन का एक दौर चल रहा है। हम दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, और चूंकि फिल्म जंक्शन वाराणसी बनारस पर ही बेस्ड है तो यहाँ आना तो था ही हमें, और यहाँ आने के बाद आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, सहयोग, कुछ आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी रैंडमली आप चाहे तो पूछ के हम ले लेते हैं कि आप फिल्म के बारे में जानते नहीं, तो सबसे पहले आपका ये सवाल कि फिल्म हमारी क्या है। ये गलती है, मौलिकता है हमारे इस फिल्म में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम, और यहाँ हमने एक ऑडिशन भी रखा था, ऑडिशन में यहाँ के सारे कलाकारों को बुलाया, बुलाने के बाद उनसे बातचीत की, किरदार उनको दिया, संवाद दिए, और उन्होंने बखूबी परफॉर्म भी किया। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कुछ चरित्र कलाकार हैं जिन्होंने भूमिकाएं निभाई, कुछ बहुत मुख्य भूमिका निभाई, और संभव ही नहीं कि सारे कलाकारों को हम मुंबई से लाएं। और जब हम बनारस की मिट्टी में शूट करें तो हम इस मिट्टी के लोगों को देख के क्या जा रहे हैं? यहाँ के कलाकारों का नाम एक आध लोगों का बता दीजिए। हाँ, यहाँ जैसे अपने दीक्षा है, ये बनारस की है, रोल कर सकते हैं, वो देखना, चाहे दामिनी का कैरेक्टर हो, चाहे चाइना गेट, चाहे चक दे इंडिया, या जो भी आप कहें अगले का। इसमें धीरज का अप्रोच हुआ, धीरज जी एज ए डायरेक्टर हमारे पास आए कि हमको आपसे ये कैरेक्टर करवाना है। मैं देखा एकदम नया डायरेक्टर है, फिर पता चला बंगाल में काम किया हुआ है, इसने बंगला फिल्में की हुई हैं, तो बड़ा कुछ इंटेलेक्ट लगता है। धीरज जी मिल गए हैं तो, और कमल भाई आराम से चाय पी रहे हैं, खरीदी खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कल बाबा विश्वनाथ का आते ही दर्शन हो गए। आपने बड़ी से बड़ी फिल्म की है, बड़ी से बड़ी फिल्म ये पूछिए तो मैं बताऊं। हाँ, यही सर क्वेश्चन है, बड़ी कौन सी फिल्म की है? ठीक है, गोलमाल में एक छोटा सा शुरुआत हो गई, आदमी का इप्टा मिल गया, एम एन सत्यू का डायरेक्शन मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। जी, मेरा नाम धीरज पंडित है, फिल्म जंक्शन वाराणसी का मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और ठीक ठाक एक किरदार भी किया है, उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा। धीरज जी, ये फिल्म की शूटिंग, ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है? शूटिंग हम लोगों ने किया है बनारस में, भदोही में, और पिपरी, भदोही का एक बहुत प्रसिद्ध गांव है। हमारे कमलेश जी हमारे प्रोड्यूसर पिपरी से ही हैं, भदोही से हैं, और बनारस तो हमें दिखाना था, तो हम लोग बनारस में भी काफ़ी कुछ हमने शूट किया। पूरा गाना हमने एक चंक पूरा यूनिट को लेकर के हम लोग रुके रहे करीब एक हफ्ते, तो लगभग भदोही, पिपरी और बनारस का। फिल्म की कहानी क्या क्या दर्शाना चाह रहा है? ये एक पारिवारिक मूल्यों को दर्शाती एक कहानी है कि आज जैसे इंटरनेट के युग में बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, लोग सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से बिल्कुल विरक्त हो गए, अलग थलग हो गए, तो वो पारिवारिक मूल्यों को हमें समेटना था। तो बड़ी प्यारी एक पारिवारिक कहानी है, दो भाई की कहानी है, हीरो हीरोइन की प्रेम कहानी तो आपने अक्सर बहुत सारी फिल्मों में देखी होंगी। यहाँ एक भाई का भाई से प्रेम दर्शाया है हमने, कि एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए जो मानसिक रूप से विकलांग है, कैसे वो उसकी शैतानियों पर पर्दा डालता है, उसे बचाता है, लोगों की प्रताड़ना से बचाता है, उसकी रक्षा करता है,
तो वो एक प्यार मैंने अपनी फिल्म में दर्शाया है। कब रिलीज हो रहा है ये फिल्म? 18 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। किरायादार, किरायादार जो इसमें है, जो रोल निभाया है, कहाँ के लोग हैं इसमें? अंजन जी हैं, अंजन श्रीवास्तव जी हैं, बहुत वेटरन एक्टर हैं। सर कैवी फिल्म है।